हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भावलपुर थाना कैंट में। जैसा कि रोज़मर्रा की बुनियाद पर यहाँ पर वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, इसी के मद्देनज़र डीपीओ भावलपुर ने अहकाम जारी किए। थाना कैंट की टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए चार मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से जो भारी असलाह और नकद पैसे भी जो थे वो भी वसूल कर लिए। इसके अलावा मैं आपको बताते चलूँ कि मोटरसाइकिल भी यहाँ से बरामद हुए। हमारे साथ SHO साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आज की जो कार्रवाई हुई है इसके हवाले से क्या कहेंगे। सर क्या कहेंगे आज? जी थैंक यू वेरी मच कि आप लोग पहले तो तशरीफ़ लाएँ यहाँ पे, और सेकंडली मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में मतलब ये स्नैचिंग की वारदातें हो रही थी, तो DPO साहब ने मुझे टास्क दिया, मेरी टीम को टास्क दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ताला ने हमें बड़ी एक कामयाबी दी है कि हमने साबर उर्फ पीदी गैंग जो है वो ट्रेस किया, फिर उसको गिरफ़्तार किया बहुत शॉर्ट स्पैन में, जो कि अमूमन पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला का करोड़ बार शुक्र है कि हम लोगों ने जदीद टेक्नोलॉजी को, हमारी IT टीम ने हमें बड़ा सपोर्ट किया इसमें, हमारे जो DSP साहब हैं अख्तर वैन साहब, उनकी बहुत ज़्यादा गाइडेंस रही है मेरे साथ, और अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है कि हम बहुत शॉर्ट स्पैन में एक साबर उर्फ पीदी गैंग जो 4 मेम्बर्स गैंग है उसको अरेस्ट करने में कामयाब हुए हैं। और उनकी निशानदेही पर जो उन्होंने लोगों से पैसे स्नैच किए हुए थे गन पॉइंट पे, वो अल्हम्दुलिल्लाह 6 लाख रुपए अभी उनसे रिकवर हुए हैं उनकी निशानदेही पे। 5 मोटरसाइकिल जो उन्होंने चोरी की हुई थी सिटी एरिया से, वो उनसे रिकवर हुई हैं। उसके बाद जो उन्होंने लोगों से मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग वारदात जो छीने हुए थे वो उनसे रिकवर हुए हैं, और जो अपने वारदात के दौरान वो जो पिस्टल वगैरह जो इलीगल वेपन यूज़ करते थे वो उनसे रिकवर हुए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है कि एक बर वक्त डिस्ट्रिक्ट पुलिस भावलपुर में एक बेहतरीन जो कार्रवाई हमारी काविज थी, अल्लाह ताला ने बड़ा रहम किया हमारे ऊपर, लोगों ने बड़ा सुख का सांस लिया। और इसमें मैं सब क्रेडिट देता हूँ पूरा अपनी टीम को, जिसमें रमज़ान ASI में बहुत ज़्यादा वर्क किया इस पर, स्पेशली दिन रात एक करके, और मैं इतने शॉर्ट स्पैन में अल्लाह ताला ने कामयाबी दे दी। तो मैं इसको समझता हूँ कि मतलब ये भावलपुर की जो पुलिस है जो वारदात ट्रेसिंग में अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में सबसे आगे है, और ये उसमें एक नए बाब का इजाफा है उसमें कि इतने शॉर्ट स्पैन में हमने एक गैंग ट्रेस करके गिरफ्तार करके उसको आगे इंशा जो है ना वो कैफरे किरदार तक भी पहुँचाया उसको। हाँ जैसा कि यहाँ पे SHO साहब ने बताया कि थाना कैंट की जो टीम है उन्होंने बहुत कामयाबी के साथ इस गैंग को गिरफ्तार किया गया, रमज़ान साहब का नाम लिया गया है। तो हमारे साथ रमज़ान साहब मौजूद हैं जिन्होंने बरवक्त कार्रवाई में हिस्सा लिया, इनसे जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जो शहर की वारदातें थी और वो लेट नाइट में, और लोग जो बेचारे आते थे सब्जी मंडी पे वो उनको लूटा जा रहा था, तो ये हमें DPO साहब की खसूसी हिदायत थी, DSP साहब की हमारी उनकी पूरी गाइडेंस हमारे साथ थी, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शॉर्ट टाइम में हमने इस पूरे गैंग को क्लोज कर लिया। ये इसी लोकल एरिया का गैंग था जो लोगों को देखता था, उनको ऑब्जर्व करता था और फिर वारदात करता था, और ये बड़ा डेंजरस सिचुएशन थी, घर इनकी इन्हीं गलियों में थे, यूं ही वारदात करनी गलियों में इन्होंने गुम हो जाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है कि हमने ये बड़े शॉर्ट टाइम में ये गैंग ट्रेस कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाका पुरअमन है, सुकून है, लोगों को ऐसा कोई इशू नहीं है। तो हमने अवामी शिकायत थी, DPO साहब की गाइडिंग अपना उनकी इंस्ट्रक्शन थी, DSP साहब की गाइडलाइन थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गैंग ट्रेस हुआ, लोगों ने सुकून का सांस लिया, और उस मामले मजीद अल्हम्दुलिल्लाह मजीद भी हम जारी रखेंगे, जो जराम पेशा नासिर उनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस अपनी शिद्दत से जारी रखेगी। जी बिल्कुल, बर्बाद कार्रवाई होती रहेगी, जराइम को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। एक बार फिर हमारे साथ फैसल अमीन साहब से बात करेंगे। सर ये जो रिकवरी हुई है इसको कैसे हम रिटर्न करेंगे जिनको जुमाल कहाँ हैं? जी इंशाल्लाह ताला, मतलब जैसे अभी बात हो रही थी कि लोगों ने बड़ा सुख का सांस लिया है इस गैंग के ट्रेस और गिरफ्तार होने के बाद, अब जो इनसे चीज़ें रिकवर हुई हैं, जो लोगों की स्नैच्ड चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह ताला उनका प्रोसेस हमने अभी से स्टार्ट कर दिया, और वो जिस जिस की चीज़ है इंशाल्लाह ताला वो हकदार को, असल मालिक को इंशाल्लाह पहुंचाएंगे, और उनके डोर स्टेप पे इंशाल्लाह पहुंचाएंगे उनको। आज बिल्कुल जैसा कि फैसल अमीन साहब ने बताया तफसील से कि यहाँ पर जितने भी जराम पेशा अफराद हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाए, यहाँ से इन्होंने ये भी बताया कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं वो रिटर्न करेंगे बाई हैंड उनको, जिनकी ये लूटी गई हैं। भावलपुर के अंदर जो बढ़ती हुई वारदात थी थाना कैंट की हदूद में, वो बरवक्त कार्रवाई की वजह से यहाँ पर जो है बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। अरेस्ट कर लिया गया है, 4 रुकनी गैंग था, बहुत बड़ा गैंग था। भावलपुर से एक बार फिर आपको अपडेट दे रहे हैं कि 4 रुकनी गैंग को जो है अरेस्ट कर लिया गया है। भावलपुर थाना कैंट की टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पर जो ट्रेस किया गया, और यहाँ पर मोटरसाइकिल अभी उनके पास से बरामद हुए, नकदी भी बरामद हुई, असला भी उनके पास से बरामद हुआ। जी